जी आदरणीय पंच कमेटी और चिकड़ी के प्रांगण में बैठे हुए सभी श्रोता बंधुओं के चरणों में सतबीर सिंह अतैनी की तरफ से हाथ जोड़ करके नमामि नमस्कार राम राम सा। बंधुओं, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आपके गांव के अंदर ये जिकड़ी भजनों का प्रोग्राम चल रहा है और यह सब भाव की बातें हुआ करती हैं चाचा जी। और भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता जी के अंदर साफ साफ शब्दों में लिखा है, भाव का भूखा हूं मैं, ये भाव का भूखा हूं मैं और ये भाव ही जग में सार है, और भाव से मुझे भजे तो भव से बेढ़ा। लेकिन बंधुओं, एक कवि ने बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा है कि सपूत बेटी बेटा में सभी का सिर होता है, सभी का साजा होता है। लेकिन गुरुदेव कैसे, ये सायर सपूत में साजा है सबका, तो गुरु बिन ज्ञान कहां से, बिन संतोष सुखी मत जानो, ये बिन संतोष सुखी मत जानो, तो कुल बिन लाज कहां से। बंधुओं, जब यह मनुष्य गर्भ के अंदर होता है तो भगवान से बार बार यही प्रार्थना करता है कि हे परमपिता परमेश्वर, एक बार तू मुझे इस जंजाल से बाहर निकाल दे, मैं बाहर आकर के तेरा नाम लूंगा, तेरा भजन करूंगा। लेकिन जब इस मृत्यु लोक पर आ जाता है तो माया के चक्कर में उस परम पिता परमेश्वर को भूल जाता है। लेकिन बंधुओं, परम पिता परमेश्वर मनुष्य के लिए एक चेतावनी दे रहा है, बंदे तेरे पास में वक्त बहुत कम है, लेकिन तुझको करना क्या है। चाहर साहब, दो लाइन की चेतावनी के माध्यम से लेकर के चलते हैं। एक बार सभी जयकारा लगाएंगे, बोल बजरंगबली की जय, राम नाम की जप लो माला, हरि नाम को पी लो प्याला, और पार भमरते है जांगे, पार भमरते है जांगे, नहीं बीच में लटके रह जांगे।
पिताजी आपका कोई पैसा खर्च होने वाला नहीं है, लेकिन आपको करना क्या है चार साहब, क्या करना है? प्रसंग क्या है आपके सामने, एक समय पर कौन कब गांडीधारी अर्जुन और अर्जुन का पुत्र जिसका नाम है बब्रवाहन, आहा सरदारो, युद्ध के मैदान के अंदर दोनों के बीच में बहुत ही घमासान युद्ध चल रहा है। लेकिन सज्जनों, आज वो छोटा सा बच्चा बब्रवाहन अपने पिता गांडीवधारी अर्जुन के ऊपर अपनी शक्ति का प्रहार करता है। चाहर साहब, मराठी के माध्यम से आज उस नन्हे से बच्चे बब्रवाहन ने क्या काम किया? शीश गिरो भूमि पारत भयो कालते, देता है। लेकिन सज्जनों, इधर में रानी चित्रंगदा को महलों के अंदर अशगुन होते हैं। रानी चित्रंगदा कौन थी? अर्जुन की पत्नी, बब्रवाहन की मां। लेकिन बाबा साहब, उसका दूसरा नाम और था अनूपी। आज रानी चित्रंगदा को महलों के अंदर अशगुन हो रहे हैं, लेकिन अशगुन होते कैसे हैं? सुनिए, ये बिसियर पड़ेगा नजर, ये बिसियर पड़ेगा नजर, भुजा बल दाई फड़का और महल न बोले काग नैन ते आंसू। ये नाग सुता किया सोच, अरे पुत्र नहीं के पत नहीं, जके तन के बिगड़े सो बेंदी सरक गिरी रानी की, सो बेंदी सरक गिरी रानी की, ये
सगुन भय कांच। इस तरीके से रानी चित्रंगदा को महलों के अंदर सगुन हो जाते हैं। लेकिन चाचा जी, आज वो छोटा सा बच्चा बबरा बहान अपनी माँ चित्रंगदा के पास में पहुंच रहा है। चाचा कैसे पहुंचा और क्या हुआ? अर्जुन वीर सोहनो ही पाले धारी, हर
शंकर बिना आई मौत। भुजा पूज दे मात हरस रो गात पार भई नैया और तू कैसे भई उदास बता दे मेरी माँ। आज मैं जंग जीत करके आया हूं, तू मेरे माथे पर जीत का टीका लगा दे, अरे जीत का सहरा बांध दे। बंधु रानी चित्रंगदा ने कहा कि बेटा तू मुझे बता तो दे कि आज के युद्ध के मैदान के अंदर तूने क्या किया है। जब उस नन्हे से बच्चे बबरा बहन ने अपनी मां के ये शब्द सुने तो अर्थ के माध्यम से जवाब दिया, क्या कहा चार साहब, जे मैं घबरन ब्रस के तोहनो मैंने। बबरा बहन जवाब दे रहा अपनी मां से, सुनिए मां मैं बताता हूं कि आज के युद्ध के मैदान के अंदर मैंने क्या किया है। मैं घबरन ब्रस के तोहनो मैंने ये काटो शीश धनंजय को और बड़े बड़े वीर हने धुरमादिक अब कछु दान कर सो गज गैया विप्रण को बाटो मात विजय भैरन में अस गुण भय कांच। मां आज के युद्ध के मैदान के अंदर मैंने गांडीवधारी अर्जुन को मार करके धरनी पर सुला दिया है। सज्जनों जब ये शब्द सुने तो रानी चित्रांगदा धार मार मार करके रो रही है, बिल्लाप कर रही है। बबरा बहन ने कहा कि मां तू ऐसे क्यों रो रही है। लेकिन बंधु रानी चित्रांगदा जवाब दे रही है, बेटा सुन मैं बताती हूं कि तूने मेरे साथ में क्या किया है। चाहर साहब चौक के माध्यम से क्या जवाब दिया, बेटा तू बन गयो हत्यारो और तेन मारो है पति।
हट जा आगे ते कुलघाती और मेरी देख फटी जाए। बेटा तूने तो मेरी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया, तूने तो मुझे विधवा बना दिया, लेकिन एक बात है बेटा, मैं तेरे पिता के बगैर इस संसार में एक पल जिंदा रह नहीं सकती। आज रानी चित्रंगा ढोलक के माध्यम से साफ साफ शब्दों में समझा रही है, बेटा सुन। जल करके भस्म हो जाओ। बंधु जब उस नन्हे से बच्चे बबरा बहन ने अपनी मां के ये शब्द सुने तो जवाब दिया, कहा कि मां सुनिए, अगर मैं अपने पिता गांडीवधारी अर्जुन को मार सकता हूं तो सुनिए मेरी भुजाओं के अंदर इतनी शक्ति है, अरे मां इतनी ताकत है कि मैं अपने पिता गांडीवधारी अर्जुन को अवश्य जिंदा करवा सकता हूं। हाँ जी बंधुओं, आज उस नन्हे से बच्चे बबरा बहन ने अपनी मां से वायदा कर दिया, लेकिन अब सुनिए एक गाना, जैसा भजन वैसा ही गाना। बंधुओं सजनों, महाभारत के युद्ध के मैदान के अंदर सजनों, महाभारत के युद्ध के मैदान के अंदर दोनों सेनाएं आपने सामने खड़ी हुई हैं, लेकिन चाचा जी उधर में कौन छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है बबरी। अभी कथा चल रही थी अर्जुन और बबरा बहन की, आप ये सोच रहे होंगे कि ये बबरी कहां से आ गया, ये कथा अलग है। छोटा सा बच्चा है
जिसका नाम है बबरी। बंधुओं, अपना नीला घोड़ा लेकर के कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर आ जाता है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उस मासूम बच्चे को देखा है, एक ब्राह्मण का रूप धारण करके बबरी के पास में आ गए और कहा, बेटा यहां पर तो बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, बहुत बड़ा संग्राम होने वाला है, मेरा कहना मान ले कि तेरा ये घोड़ा लेकर के अपने घर के लिए वापस चला जा। क्यों? कि तेरे पास में केवल तीन बाण है और तीन तीन बाणों से क्या युद्ध करेगा। तू देख रहा है ना कैसे कैसे रथी महारथी बड़े बड़े योद्धा खड़े हुए हैं। जब इतने शब्द सुने तो सुनने से बच्चे ने एक शेर की तरह तड़क करके जवाब दिया, कहा, बाबा मैं इस युद्ध के मैदान के अंदर युद्ध करने के लिए आया हूं और एक बाण से पूरे महाभारत को खत्म कर दूंगा, विजय मेरी हो जाएगी। भगवान कृष्ण ने कहा कि बेटा ये दूसरा और तीसरा बाण क्या काम करेगा। बच्चे ने कहा कि बाबा सुनिए, दूसरे बाण से मैं किसी भी व्यक्ति का काल ढूंढ करके बता सकता हूं कि इसका काल कहां पर है, और तीसरे बाण के बारे में बाबा आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं ना, इसकी तो मुझे आवश्यकता ही नहीं है, ये तो केवल एडवांस के अंदर रखा हुआ है। भगवान कृष्ण ने कहा कि बेटा सुन, मेरे दिल के अंदर एक शंका पैदा हो रही है, अरे एक बहम पैदा हो रहा है, क्या तू उसका निवारण कर सकता है। हाथ जोड़ करके नन्हे से बच्चे बबरी ने कहा कि बाबा बताइए बात क्या है। लेकिन चाचा जी, भगवान श्री कृष्ण ने उस मासूम बच्चे से चार साहब क्या पूछा है। कहने लागा अपनो धर्म निभाऊंगा,
गयो कहने लाग्यो अपनो फर्ज निभाऊंगो। घर को हो चाहे बाहर को मैं सबको मार गिराऊंगो। अरे जिनकी हार होगी हिरण में पैकी जीता जीता, जिनकी हार होगी हिरण में पैकी विजय कराऊंगो। झंडा गाड़ विजय कोहरण में जब ही बाप सजाऊंगो भाई। बच्चे ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि बाबा सुनिए, इस युद्ध के मैदान के अंदर अगर मेरे सामने मेरा बाप भी आ जाएगा ना, तो मैं उसे यहां से जिंदा वापस जाने नहीं दूंगा। विजय तो मेरी होनी है। जब ये शब्द सुने भगवान श्याम सुंदर ने, तो सोच रहे हैं कि इस कार्य के लिए मैंने जो मेहनत की थी, जो तपस्या की थी, उस पर सारी पर पानी फिरने वाला है। सजनों, आज भगवान श्री कृष्ण ने उस मासूम बच्चे के ऊपर अपनी माया का जाल फैला दिया। कहा, बेटा तू इतना बड़ा वीर है, लड़ने वाला है, क्षत्रिय, तो तू मुझे एक बात और बता दे कि तू दानी कैसा है। भैया जी, जब दानी का नाम सुना तो उस बच्चे के जवाब क्या थे, चाहता कहे में असली दानी चीचा जब यजमाली जो। अब मांगे तो अब दह दौनी पीछे ऊपर चाली जो। श्याम कहे यो पापरी कसे पीछे मती थुकाली जो। बच्चे ने कहा, बाबा आप ये जानना चाहते हैं ना कि मैं दानी कैसा हूं, तो सुनिए, अगर कोई भी इंसान दान के अंदर अगर मेरा ये शरीर भी मांगेगा ना, तो मैं उसके लिए अपना शरीर भी दान में दे सकता हूं बाबा। भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं बेटा, मैं इसे मानने वाला नहीं, मुझे तो तू वचन दे दे। वचन वाली बात सामने आई तो यहां पर छोटे से बच्चे ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है। चाचा जी सुनिए, कटल जाए सूरज सच पावक भी ये पशुता सारी टल सकती है, लेकिन मेरे मुख से निकली आवाज नहीं टल। बाबा मैं अपने बचनों से मुकरूंगा नहीं, मुझसे जो भी कुछ मांगना है मांग लीजिए, मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उस मासूम बच्चे से चाहता दान के अंदर क्या मांगा चाचा जी, चाम कहे यो पापरी कसे पीछे मती थुका ली जो। जो तू असली तहानी बेटा काट किसी जगा ली जो। बेटा मुझे दान के अंदर केवल तेरा ये सर चाहिए, बेटा मुझे तेरा केवल सर दान में दे दे। बंधुओं, जब ये शब्द सुने तो सुनने से बच्चे बबरी की आंखों में आंसू आ गए। भैया जी रो गया, कहा करे बाबा आज आपने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया है,
लेकिन मैंने आपसे वादा किया है ना, अंतिम कड़ी के अंदर वो छोटा सा बच्चा बबरी रो रो करके भगवान श्याम सुंदर से एक बात कह रहा है, लेकिन कैसे भैया? कहे मोहन से पर मांगो अच्छा खास है, मन की मन में रह गई स्वामी युद्ध को रह गयो प्यास है, सीसा तांग पेड़ पे दीजो युद्ध को देखू तमास है। बच्चे ने कहा कि बाबा आज आपने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया है, लेकिन मैंने आपसे वादा किया है ना, लेकिन सुनिए बाबा मेरी केवल एक अंतिम इच्छा है कि मैं इस महाभारत के युद्ध का केवल तमाशा देखना चाहता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा बेटा सुन, जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा, लेकिन आज मैं तेरे लिए एक आशीर्वाद दे रहा हूं कि कलयुग के अंदर तू मेरे नाम से जाना जाएगा, तेरी मेरे नाम से पूजा होगी और तेरे दरवाजे पर कोई भी भक्त अपनी सच्ची भावना से सच्ची श्रद्धा से अगर अपनी किसी मनोकामना को लेकर के आएगा उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। लेकिन बेटा केवल कलयुग के अंदर, हम राजस्थान के रहने वाले हैं और राजस्थान की राजधानी है चाचा जी जयपुर, जयपुर से 120 किलोमीटर खाटू धाम के अंदर उस बबरी का बहुत बड़ा विशाल मंदिर है जो श्याम बाबा के नाम से जाने जाते हैं, शीश के दानी के नाम से जाने जाते हैं, हारे का सहारा के नाम से जाने जाते हैं, तीन बार धारी के नाम से जाने जाते हैं, शीश के दानी के नाम से जाने जाते हैं। एक बार सभी भक्तों से मेरा निवेदन कि उस श्याम बाबा का जयकारा लगाएंगे, बोल श्याम बाबा की। आज उस बच्चे ने अपना सर दान दिया, लेकिन चाहत आप कैसे? सीसा तांग पेड़ पे दीजो युद्ध को देखू तमाम